गाड़ी को रोकते हुए प्रदर्शनकारी लोग हैं। ये किशोरगंज चौक की है। यहाँ पर की हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के आवास की गाड़ी को रोक किया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले से झारखंड की राजनीति में उबाल आया है। हमले को लेकर डीजीपी एमवी राव ने बहुत सख्त बयान दिया था। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने भी रांची के किशोरगंज इलाके में काफिले पर हुए हमले पर बड़ा खुलासा किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि घर पहुंचने के बाद उन्हें घटना की जानकारी मिली है। सोरेन ने बताया कि कुछ लोग घात लगाकर मेरे इंतजार में बैठे थे, लेकिन जब ये प्रयास सफल नहीं हो पाया तो वो लोग उपद्रव करने में लग गए। देखिए, कल की घटना तो मुझे घर जाने के बाद पता चला कि कुछ घटना घटा है, क्योंकि मुझे रास्ते दिखाने के लिए लोग आगे रहते हैं। इधर इधर वो गए, उधर उधर हम भी चले गए और मैं अपने घर पहुंच गया। और घर पहुंचने के बाद मुझे ये इसकी जानकारी मिली कि कुछ लोग बहुत मतलब कहते हैं घात लगा करके मेरे इंतजार में बैठे थे और जब उनका ये प्रयास सफल नहीं हो पाया तब ये लोग उपद्रव करने की कार्यों में लग गए और अगर इस तरीके की हरकतें हैं तो प्रशासन पूरी गंभीरता से इसको लेगा और जो भी लोग होंगे कड़ी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। देखिए लोग, रांची बहुत छोटा शहर है, लगभग हम आप दूसरे एक दूसरे का चेहरा जानते हैं और कौन लोग किसके हैं वो लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। कानून दल और पार्टी देख करके काम नहीं करता, वो गलत कार्यों पर और गलत हरकतों पर अपनी कार्रवाई करता है। वही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की जांच के लिए सरकार ने 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के एक एक सीनियर ऑफिसर को शामिल किया गया है। सरकार की ओर से इस मामले में रांची के डीसी और एसएसपी को शो कॉज नोटिस भी जारी की गई है। वहीं इस घटना को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने अपने ट्वीट के जरिए सीधे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आड़े हाथों लिया है। मरांडी ने अपने ट्वीट में सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सीएम का काफिला रोकने पर एक दिन में 50 से अधिक गिरफ्तारियां हुई तो 2 थानेदार पर कार्रवाई की तैयारी की गई, जबकि झारखंड की बेटी का सिर धड़ से अलग करने के बाद 3 दिन गुजर जाने के बावजूद एक भी अपराधी पकड़ा नहीं गया। और माझी में युवती की सिरकटी लाश मिलने के बाद से विवाद भड़का था। काफी खोजबीन करने के बाद भी मृत युवती का सिर पुलिस के हाथ नहीं लग पाया है और युवती की शिनाख्त नहीं होने से स्थानीय लोगों में गुस्से का माहौल है। पुलिस ने इस हत्याकांड का सुराग देने वालों को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। खुद डीजीपी ने भी इस वारदात में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। वैसे पुलिस को जल्द से जल्द हत्यारों को गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहिए। वहीं सीएम हेमंत सोरेन के काफिले पर हमले की घटना को भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट।